आज के वीडियो में अपने पास एक 50 रुपए वाले क्लिनिक प्लस शैम्पू की बोतल। गाइस मेरे पास है 50 रुपए के 50 शैम्पू जो कि 1 रुपए का एक ही आता है। तो गाइस इन दोनों का वेट करके देखेंगे, जो शैम्पू की बोतल दिखाई थी और ये रहे मेरे पास 50 क्लिनिक प्लस शैम्पू 1-1 रुपए वाले। तो देखते हैं किसमें ज्यादा निकलता है। जो हमारे पास बोतल है वो भी 50 रुपए की थी और ये रहे 50 रुपए के शैम्पू। तो इनका वेट करते और देखते हैं किसमें ज्यादा निकलते हैं। सो गाइस जैसे कि आप लोग देख रहे हो मेरे पास है 50 रुपए की शैम्पू की बोतल। अब इस बोतल को मैं इस बाउल के अंदर खाली करूंगा और पूरा शैम्पू निकाल के इसमें डाल दूंगा। अब इसमें डालते हैं शैम्पू और फिर बताते हैं। गाइज मैंने पूरी शैम्पू की बोतल इस बाउल के अंदर खाली कर ली है और ये ना आधी कटोरी से भी ऊपर इसमें डल गया। गाइज अब मैं इन पाउचों को खाली करता हूँ 1 रुपए वाले जो। गाइस जैसे कि आप देख सकते हो इस बाउल को, ये पूरा अभी से ही फुल हो गया है और फिर भी आपको एक बार वेट करके बता देंगे। और हम मेरे हाथ भी दुखा इसलिए अपने विशाल भाई को बुलाते हैं। गाइस जैसे कि आप देख सकते हो इसमें 50 रुपए का शैम्पू है इस बाउल के अंदर जो कि मैंने बोतल से खाली करा, और इसमें है 27 रुपए का शैम्पू है अभी केवल, जो कि 1-1 रुपए की पाउच थी। वो 27 शैम्पू में ये बाउल पूरा भर गया और 50 रुपए की बोतल में ये बाउल आधा भरा हुआ है। और अभी एक और बाउल में लेके आता हूँ उसमें सारे शैम्पू, ये हमारे पास है 22 शैम्पू अभी और, तो उस बाउल में डालेंगे और फिर वेट करके दिखाएंगे कि किसमें कितना ज्यादा आया और कितनी क्वांटिटी में ज्यादा आया। गाइस एक और बाउल ले आया मैं जिसको भरते हैं, पूरा कितना भरा था फिर वेट करके दिखाएंगे। तो गाइस ये रहा अपने पास खाली बाउल। अब मैं रखता हूँ इसको अपने कांटे के ऊपर, मतलब इसको पहले जीरो कर लेते हैं, 113 ग्राम का ये। अब इसको जीरो कर दे, ये हो गया, ये हो गया जीरो। अब इस बाउल को मैं यहाँ से हटा देता हूँ और अब आते हैं अपन अपने बाउल पे। ये रहा 50 रुपए की बोतल से निकला हुआ क्लिनिक प्लस शैम्पू इस बाउल के अंदर। अब इसको मैं तुम्हें दिखाता हूँ तोल के, 75 ग्राम निकला ये टोटल शैम्पू 50 रुपए की बोतल से निकला हुआ। अब तुम्हें दिखाते हैं जो 50 क्लिनिक प्लस शैम्पू के रुपए लाए थे उसमें दिखाते हैं। तो पहले अपन ये वाला बोल रखते हैं 139 ग्राम्स। गाइस 50 रुपए के जो शैम्पू लाए थे पाउच में, सिर्फ एक बाउल के अंदर 139 निकला है। और अभी एक और तो बाकी है, ये देखो हमारा दूसरा बाउल। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हो एक बाउल के अंदर निकला है 138 ग्राम्स, जो 50 रुपए के पाउच लाए थे उनमें से। अब मैं रखता हूँ इसको, इसको हटा लेते हैं, इसमें निकला है 162 ग्राम। तो गाइस अभी मैं दोनों बाउल इसके ऊपर रखूंगा और इसको करूंगा जीरो। ये मैंने रखे दोनों बाउल और इसका वेट आ रहा है 226। अब मैंने इसको कर दिया, ये ना इसको कर दिया क्लियर। इनको रख के देखते कितना ग्राम वजन है। गाइस टोटल वेट आप 298 298 ग्राम निकला है 50 रुपए के पाउच के अंदर ये, और इसमें निकला था सिर्फ 75 ग्राम। हाँ तो गाइस जैसे कि आप लोग देख रहे हो ये 50 रुपए की बोतल में शैम्पू कम आता है, सीधा हिसाब है अपना, इसमें आता 75 ग्राम। तो इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। वी होप कि आपको ये वाला वीडियो पसंद आया, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लोके डाटा, बाय बाय।